जैन रिलीफ फाउंडेशन द्वारा आज अहमदाबाद के दिनेश हॉल में जेआरएफ हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया। जेआरएफ हेल्थ कार्ड का शुभारंभ अब मैं मुख्यमंत्री हमारे यहाँ महेंद्र भाई पटेल और सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम आशीर्वाद से किया गया मैं। और जैसा कि आपको मालूम है, कोविड के समय लगभग 30 लाख से ज्यादा का व्यवसाय करते हैं, सेवाएं समाज को प्रदान कर रहे हैं। अगले एडवाइजर के रूप में जैन रिलीफ फाउंडेशन हैदराबाद स्थित एक संस्था है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग छेल्ला 8 वर्ष की अंदर 3 लाख परिवारों ने जोड़ी ने एक हेल्थ कार्ड आप्यु छे कि जे खरेखर 23 स्टेट्स में है, 143 सीटीज में है और 9400 संस्थाओं जोड़े कनेक्टेड। आनो एकमात्र मूलभूत उद्देश्य ये है कि कोईपण जैन ने मेडिकल ट्रीटमेंट की अंदर एने सपोर्ट मिले, एक वेल्यू एडिशन थाय, अने जे प्रश्नों से ये प्रश्नों ने आ मिनिमाइज करीने एक अद्भुत बेकअप प्लान तरीके आ एक जेआरएफ नो हेल्थ कार्ड एनु आयोजन करवामां आवे छे। अने आनो एकमात्र उद्देश्य ये है कि कोईपण जैन होय एने साथे राखीने ए जैनना परिवार ने कोई मेडिकल ग्राउंड की तकलीफ होय तो ये ओछी पड़े, ये दूर थाय, अने एना माटे जे सर्वोत्तम सहयोग मिले एनो एकमात्र उद्देश्य थी आ जैन रिलीफ फाउंडेशन अमदावाद आव्युं छे। जय जिनेन। आज जैन रिलीफ फाउंडेशन इंडिया जिसके अहमदाबाद चैप्टर का और जैन रिलीफ फाउंडेशन जेआरएफ हेल्थ कार्ड का दिनेश हॉल अहमदाबाद में आज लॉन्चिंग होने जा रहा है और आज इस हेल्थ कार्ड ने पूरे इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया है। ये एक ऐसे स्पेशली जैन कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन किया हुआ एक कार्ड है जिसमें जो भी कारपोरेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मासी, आई हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी सेंटर, ये सारे सेंटर के ऊपर जो टाइप होंगे जैन रिलीफ फाउंडेशन के, उन टाइप सेंटरों के ऊपर जो भी जैन रिलीफ फाउंडेशन के जो मेंबर हैं उनको सिर्फ कार्ड दिखाने से ट्रीटमेंट में प्रायोरिटी और साथ ही डिस्काउंट उनको मिलेंगे। आप सबको पता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री अभी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद की इस टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है और आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर एक लॉन्चिंग कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस जैन रिलीफ फाउंडेशन हेल्थ कार्ड के लगभग 23 स्टेट्स में, 193 सिटीज़ में इसका नेटवर्क है और यहाँ पर लगभग अहमदाबाद का जो हमारा टारगेट है, हमने जैसा सुना है कि 300 किलोमीटर्स अराउंड 10 लाख के करीब करीब पॉपुलेशन है, तो हमारा टारगेट वही है कि सबसे पहले वो हम कवर करें। और आपको बताया कि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जैसा स्वच्छ भारत दिया था वैसे स्वस्थ भारत का भी उन्होंने एक नारा दिया था। हमने जहाँ पर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है और जहाँ पर हमारे रूटीन में लोग जाते हैं, ऐसे लगभग 55 के करीब करीब हमारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके 83 के करीब करीब हॉस्पिटल के सेंटर्स हैं और पूरे गुजरात में पूरा अगर देखा जाए तो लगभग 300 के करीब करीब हॉस्पिटल्स और 700 करीब करीब जो है डायग्नोस्टिक सेंटर्स रहेंगे और इन सेंटर्स के ऊपर पूरे गुजरात के जो भी जैनवासी हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कितने लोग अभी लाभार्थी हैं अभी यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं संस्था? ये हमने जो लॉन्च अभी लॉन्च कर रहे हैं तो लॉन्च के बाद में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 50,000 जो है फर्स्ट फेज में हम 50,000 लोगों को हम इसमें जोड़ेंगे पहले और उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए पूरे 10 लाख जैन जो यहाँ पर हैं उन सबको यहाँ पर जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। जैन रिलीफ फाउंडेशन पैन इंडिया के जो हमारे डायरेक्टर जो हैदराबाद से जो आए सो है, तो हमारे 9 साथी हैं, 9 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस जैन रिलीफ फाउंडेशन की नींव रखी थी, फाउंडेशन रखा था, तो मैं सबको इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ। हमारे साथ में जो है पवन जी कटारिया है, साथ ही विक्रम जी कीमती है और गौतम जी पारक है हमारे, अपने दीपक जी कीमती है, इसी तरह हमारे धर्मेंद्र जी नहार हैं और प्रेम जी कोठारी है और साथ ही हमारे प्रमोद जी हिंसा तो हाँ और इसी के साथ हमारे और एक वन ऑफ द डायरेक्टर राजेंद्र पीछा है। तो इन 9 लोगों ने ये आइडिया सोचा था और आज उसको पूरे पैन इंडिया में एक्सपैंड करने का हमने जो निर्णय लिया है उसके तहत ये 5वां राज्य है जहाँ पर हम इसको लॉन्च करें। इसके तेलंगाना के बाद हमने मध्य प्रदेश किया, कर्नाटक, देन उसके बाद में महाराष्ट्र और अभी गुजरात में हम आए हैं।
तो ये लॉन्चिंग होने जा रहा है। और यहाँ पर हमने एक जो यहाँ का अहमदाबाद जो चैप्टर है उसके हमने एडवाइज़र और सपोर्टर वगैरह हमने पूरे बनाए हैं, उसका हम अभी यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं। थैंक यू।